हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू ब्लैक पिंक लवर। ये DIY बनाने के लिए हमें सिर्फ वाइट पेपर एंड स्केच पेन की ज़रूरत है। हमने एक प्लेन वाइट पेपर लिया है और उस पर हम ब्लैक पिंक स्टिकर्स ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल ब्लैक पिंक स्टिकर्स ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद हम उसको कलर कर लेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, हमारा स्टिकर बनके रेडी हो गया है। अब हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए सेलो टेप स्टिक कर देंगे। ये मैंने सेलो टेप लिया है। सेलो टेप पे बारी बारी सारे स्टिकर्स रख के उसको मैं कट कर लूँगी। इस तरह से हमारा वाटरप्रूफ स्टिकर बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही इजी DIY है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही इजीली बन जाता है और इसके लिए ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है, और बनने के बाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप चाहे तो अपना भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट भी करेंगे तो उसे भी बहुत पसंद आएगा। अब हम आते हैं नोटबुक पेपर की तरफ। तो हमने वाइट पेपर लिया है और उसको अरेंज करके स्टेपल कर लिया है, और फिर मैंने पिंक कलर का एक क्राफ्ट पेपर लिया है उसके अपनी बुक का आउटर कवर बनाने के लिए। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो वाइट पेपर भी ले सकते हैं। वाइट पेपर के साथ भी ये नोटबुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। अब जो हमने जो स्टिकर्स होममेड स्टिकर्स बनाया है ब्लैक पिंक का, उसको हम नीटली अरेंज कर लेंगे। ये देखिए, अरेंज हो गया है। अब हम अपने मेन स्टिकर को एक्रेलिक ब्लैक एक्रेलिक कलर से कवर कर देंगे। इसको कवर करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है इसके ड्राई होने का। ड्राई होने के बाद देखिए, स्क्रैच टू नोटबुक बनके तैयार है। अब एक कॉइन की मदद से आप स्क्रैच करिए, और ये देखिए, आपका जो स्टिकर है वो वापस से विजिबल हो गया है। और ये कितना इंटरेस्टिंग और कितनी ब्यूटीफुल नोटबुक बनके तैयार हो गई है।